जब आप कास्टिंग करते हैं ना तो आप एक एक की कास्टिंग करते हैं, आप कभी ऐसे नहीं जाते कि मैं दो को कास्ट साथ में कर दूँ. यू नेवर आई नेवर थिंक ऑफ पेयर्स. मैंने देखा कि ये जो कैरेक्टर है वेद का उसके लिए रणबीर सूटेबल है और जो दीपिका है वो बहुत सूटेड है तारा के लिए, तो उस तरह से अलग अलग इनकी कास्टिंग की. ये उस तरह का प्रेम है तमाशा में, उस तरह का प्रेम है जो प्रेम एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, जो एक साधारण व्यक्ति को कलाकार बनाता है. ये इस तरह का प्रेम है, ये इस तरह का टच है जिससे आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी में औरत क्यों ज़रूरी होती है और वो किस तरह से आपको उस जर्नी पे ले जाती है जिससे आप खुद को पहचान सकें. निजी ज़िंदगी में जो ख्यालात होते हैं, जो आपके इंसिडेंट्स होते हैं, वही आपको कहानी सजेस्ट करते हैं. मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि जो कहानी आप दिखा रहे हैं वो दरअसल पूरी तरह से निजी ज़िंदगी पर बेस्ड हो. तो मेरे ख्याल से कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, जो आप तमाशा में देख सकते हैं. मगर पूरे तौर पे ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर ऑटोबायोग्राफिकल है. तमाशा टाइटल मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपनी फिल्म का टाइटल पसंद है, बिकॉज हर तरह से ये फिल्म ये टाइटल इस फिल्म से सूटेबल है. पहली बार तो तमाशा का मतलब जो होता है वो होता है एक स्पेक्टिकल, एक नज़ारा, या कह लीजिए एक शो जिसको आप देखते हैं और जो जिसको देख के आपको मज़ा आता है. तो दूसरी बात ये कि तमाशा अक्सर स्टेज से रिलेटेड होता है. इसमें भी स्टेज से बहुत लेना देना है इस फिल्म को. जैसा कि आप देखेंगे अल्टीमेटली वो जो मैं कह रहा था कि आर्टिस्ट है वो स्टेज पे अपनी कहानियाँ कहता है. तो उसी लिए तमाशा हर तरह से सूटेबल था और मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा कि किसी किसी तरह से तमाशा टाइटल अब तक ऐसा एक टाइटल है जिस पर फिल्म बनी नहीं है, जो कि बहुत एक रेयर बात है.